व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना 23 के 24 के। 23 को यहाँ पे लिखें। अब देखें, हमें पता है 23 एक प्राइम नंबर है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? हमने देखा कि देखना है कि 23 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 5 में आता है, नहीं आता। 7 में आता है, नहीं आता। बस आपको इसलिए पता चल गया प्राइम नंबर है। आपने क्या करना होता है, 2 में, 3 में, 5 और 7 के टेबल में देखना होता है। अगर कोई नंबर उसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर होता है, वो फिर सिर्फ अपने टेबल में आएगा। 23 बन जाए, 23 आ गया। प्राइम फैक्टर 23 के क्या आएगा, सिर्फ एक ही है, तो 23 का 23 लिख लें। 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 24 है, हम लास्ट डेट चेक करेंगे 4 है। तो हम यहाँ पे 2 फैक्टर ले सकते हैं कि नहीं? यस, ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 24 का सिर्फ लास्ट डेट चेक करें, आपके पास 4 है, तो 2 फैक्टर लेने के लिए ज़रूरी होता है लास्ट डेट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो आपके पास तो 4 है। इसका मतलब हम यहाँ पे 2 फैक्टर ओके करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1s, 2 के टेबल में 4 आता है 2s। अब हाँ, हमारे पास 12 है, तो देखें लास्ट डेट फिर से 2 है, इसका मतलब हम यहाँ पे फिर से 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आ जाता है। वैसे भी डायरेक्ट देखें 2 के टेबल में 12 भी आ जाता है। 2 के टेबल में 12 आता है 6s, अब यहाँ पे फिर 6 है, हम यहाँ पे फिर से 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3s, अब यहाँ पे 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 अपने टेबल में आएगा, तो 3 बन जाए, 3 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स 24 के ये सारे आ जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3। तो इस तरह प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए 23 के 24 को। के वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।